हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई मेन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए हम एक बार प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को देख लेते हैं। देखिए, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। इन द गिवन फिगर अ बैटरी ऑफ EMF E इज कनेक्टेड अक्रॉस ए कंडक्टर PQ ऑफ लेंथ L एंड डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस हैविंग रेडियस R1 एंड R2, R2 लेस देन R1। देखिए, आपसे आपको दिया गया है कि PQ जो है एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो चेंज करता है, वो डिफरेंट है, डिफरेंट प्लेस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम है Q के प्लेस पे। Q पे नैरो है और यहाँ पे P पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, बहुत वाइड है। तो इस तरह के कंडक्टर को यहाँ पर लिया गया है इस क्वेश्चन में। इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इससे करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर के थ्रू। तो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। यहाँ पर यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एज वन मूव्स फ्रॉम P टू Q। P से Q जब आप जाएंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस को चूज करने हैं, करेक्ट ऑप्शन को बताने हैं। देखिए, ये 3-4 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहले ऑप्शन के बारे पे हम आते हैं। आपको ये बताना है, ये बता रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस पी टू क्यू जाने में ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, पहला ऑप्शन बता रहा है। तो आइए इसको चेक करते हैं कि क्या सच में क्यू पॉइंट पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगा कंपेयर टू पी पॉइंट। आइए इसको देखते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो को वाटर के फ्लो से कंपेयर कर दीजिए। बोथ आर क्वाइट सिमिलर। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से वाटर फ्लो करता है किसी पाइप में, उसी तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है वायर में, कंडक्टर में। तो मान लीजिए, सपोज आपके पास इसी शेप का पाइप रहता और उससे वाटर फ्लो हो रहा होता। तो अब आप ये बताइए कि वाटर फ्लो किस लोकेशन पे ज़्यादा होगा, पी पे होता या फिर क्यू पे ज़्यादा होता। इस तरह के क्वेश्चंस आपने फ्लूइड में किए होंगे और वहाँ कंसेप्ट क्या था, एरिया इंटू वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। ए भी क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ए इज द एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। एंड वी क्या है यहाँ पर, तो वी इज वेलोसिटी। ये कांस्टेंट रहता है किसी भी पाइप में ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, जिसमें कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पर देखिए, एरिया जो है क्रॉस सेक्शन, ये क्या रहता है, कांस्टेंट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहाँ ज़्यादा है, R1 के लोकेशन पे या R2 के लोकेशन पे। देखिए, R1 और R2 में दिया गया है कि R2 इज स्मॉल, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, बहुत कम है, नैरो है यहाँ पर। तो जहाँ एरिया कम होगा वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगा। फ्रॉम दिस रिलेशन आप ये बता सकते हैं, इसका मतलब क्योंकि यहाँ एरिया कम है तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पर जो है वाटर का जो वेलोसिटी है, फ्लो का वेलोसिटी, वो ज़्यादा होगा। और अभी मैंने आपको तुरंत बताया है कि वाटर उसी तरह से फ्लो करता है जिस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के केस में भी आप बता सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल हैव मोर वेलोसिटी हियर, क्योंकि वाटर पार्टिकल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरह से फ्लो करते हैं, दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं दोनों का फ्लो। तो आप बता सकते हैं जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ वाटर का फ्लो ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा नैरो क्रॉस सेक्शन पे, उसी तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इस कंडक्टर के केस में ज़्यादा होगा। तो देखिए, पहला जो है ऑप्शन, दिस इज करेक्ट, ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस पी टू क्यू जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है। ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू विल बी लोअर। तो लेट्स चेक दैट, है ना, इसको चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको रिलेशन याद है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये रिलेशन मैं कहाँ से ला रहा हूँ, तो देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, VD इक्वल्स टू एक्सेलरेशन E into E upon m into tau। तो इस रिलेशन को अगर आपको याद होगा इससे, तो यहाँ से ये रिलेशन आता है। देखिए, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, स्मॉल e, tau और m, दीज आर कांस्टेंट। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने देखा यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी मोर। देखिए, ऑप्शन में क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस क्यू पे जाने पर, तो ऐसा नहीं होगा, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अब देखिए, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, व्हाट डज इट से,
इलेक्ट्रॉन करंट डिक्रीजेस, बोल रहा है कि पी टू क्यू जाने में इलेक्ट्रॉन का जो करंट है वो कम होगा। तो क्या करें, ये चेक कर लेते हैं कि करंट यहाँ पी क्रॉस सेक्शन और क्यू क्रॉस सेक्शन पे क्या रियली में कम हो, मतलब क्यू क्रॉस सेक्शन पे कम हो रहा है जाने पे। तो देखिए करंट इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इक्वल्स टू होता है आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो टाइम जो है फॉर कन्वीनियंस हम टाइम जो है आप ले लीजिए, टाइम सेट कीजिए 1 सेकेंड। अब चेक कर लीजिए कि 1 सेकेंड में क्या इन दोनों में चार्ज जो फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन पे और इस क्रॉस सेक्शन पे वो क्या किस तरह से वो क्या सेम है या ज़्यादा है, कि कहाँ पे ज़्यादा है, मतलब क्यू पे क्या ज़्यादा है चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, ये चेक कर लीजिए, या फिर इक्वल चार्ज फ्लो कर रहा है इसको हम देखते हैं। तो अगेन यहाँ पर जो है ना हम सिमिलैरिटी विथ वाटर की बात करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की सिमिलैरिटी विथ के फ्लो की सिमिलैरिटी विथ वाटर की बात करेंगे। तो देखिए अगर वाटर पाइप होता तो फिर आंसर कीजिए कि अगर 1 सेकेंड में यहाँ 1 लीटर फ्लो करता वाटर इस क्रॉस सेक्शन से पास करता, तो क्या यहाँ पर भी 1 सेकेंड में सेम वाटर नहीं फ्लो करता। अगर मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ से 1 सेकेंड में 1 लीटर पास कर रहा है और यहाँ से 1 सेकेंड में केवल 0.5 लीटर पास कर रहा है, तो बाकी का पानी कहाँ जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि इक्वल टाइम में 1 सेकेंड में यहाँ से जितने वाटर पास करेगा पाइप से उतना ही वाटर इस नैरो क्रॉस सेक्शन से भी पास करेगा। और सिमिलर इज द केस विथ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के केस में इस कंडक्टर से जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन से पास करेंगे उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास करेंगे। एंड दैट इज वाई, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और यहाँ से पास करेंगे 1 सेकेंड में, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इक्वल चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शन एंड दिस क्रॉस सेक्शन इन एवरी सेकेंड। क्योंकि इक्वल चार्ज फ्लो कर रहा है, देन वी कैन से दैट करंट हियर विल बी इक्वल टू द करंट हियर, यहाँ पर जो करंट होगा और यहाँ पर करंट होगा सेम होगा। इनफैक्ट वायर ऑफ डिफरेंट रेडियस, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि इस वायर है इसका रेडियस क्या है अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग है, और आप बता सकते हैं कि इस वायर का जो अलग अलग क्रॉस सेक्शन वाले वायर होंगे जिसका क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, कहीं पर यहाँ पर क्या यहाँ पर क्या यहाँ पर भी करंट सेम होगा। डिफरेंट क्रॉस सेक्शन से करंट जो होगा, कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लीजिए इस वायर के थ्रू, उससे करंट